है कि आज मैं एक रियाज का एक पैटर्न और बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं खर्ज का रियाज। खर्ज यानी बेस, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो जितना लो गालेगा वो उतना हाई गा लेता है। नॉर्मल अगर हम हाई पिच पे गाते हैं तो उसके लिए पहले हमें बेस हमारे गले में होना ज़रूरी है, जो गले के अंदर वेट लाता है, आपका वोकल वेटेड बनाता है, उसको वो आता है खर्ज के रियाज से। और खर्ज का रियाज होता है कि जितना आप नीचे गा सकते हैं ना, लाइक अभी मैं गा के बताता हूँ आपको। जैसे जैसे हम सरगम गाते हैं, तो अब हमें सा से नीचे आना है, लेकिन जो आरओ वाला सा है उससे नीचे आना है, हमें ऊपर से नहीं आना है। अबरो वाले सा से नहीं आना, आरओ वाले सा से नीचे आना है। कैसे, देखो सुनो, क्योंकि बेस जरूरी है गले में ना, बेस होगा तो फिर आपका वोकल अच्छा बनेगा। ये रियाज की छोटी छोटी ट्रिक है जो होनी चाहिए, जिसको आप करोगे तो आपका गला इम्प्रूव होगा, एक्सरसाइज है गले की, उसको खर्च का रियाज बोलते हैं। सुनिए, सबसे पहले सा बोलना है, और कैसे बोलना है मैंने टाइमिंग बताई थी, सांस अंदर लेना है और एक सांस में बोलना है उसको। के बाद फिर धन, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है आप कितना नीचे गा सकते हो, जहाँ तक आपका वोकल नीचे जाएगा उतना करना है। और ये रियाज कोशिश करें कि जब आप उठें उसके बाद ही करें, क्योंकि जब आप उठते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, तो आप ज़्यादा नीचे तक खर्ज में गा पाएंगे। और ये खर्ज का रियाज मॉर्निंग का रियाज ही बताया गया है, तो मॉर्निंग में जितना करेंगे, जितना आप नीचे गा लेंगे उतना हाई पिच पे गा लेंगे। तो खर्ज का रियाज बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि सुबह करें इसको, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी आवाज़ हमारी भारी होती है, वोकल थोड़ा सा हैवी होता है, तो आप ज़्यादा नीचे गा सकते हैं खर्ज में। प्रैक्टिस करना है खर्च का, अच्छे से रियाज करना है। थैंक यू। द वेंकटेश्वर स्कूल गुरुग्राम।